हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बहुत ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अच्छी नोटिफिकेशन आया हुआ है जो आप सभी को पता होना चाहिए। मेन बात क्या है, इसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगी आपकी, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लग रही है। और प्लस पॉइंट दूसरा ये है कि आप अगर 8th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और 12th पास है तो भी अप्लाई, मतलब हर कोई इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। डिटेल में नोटिफिकेशन देखने वाले हैं, डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या है, बहुत सारी पोस्ट रखी गई है, 22 है इसके अंदर। हम वन बाय वन सारा समझते हैं। फर्स्ट हमारी यहाँ पे होने वाली इलेक्ट्रिशियन की, इलेक्ट्री प्लेटर फिटर फाउंडर मैन मकैनिक इंस्ट्रूमेंट मकैनिक मकैनिस्ट MMTM पेंटर पैटर्न मेकर पाइप फिटर इलेक्ट्रॉनिक एंड मकैनिक मकैनिकल रेफ्रिजरेटर एंड AC स्विप राइटर टेलर वेल्डर मैसन INCTM और सिप राइटर रिगर फॉर्गर एंड हीट ट्रीटर। मतलब बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी ज़्यादा बल्क में वैकेंसी होने वाली है और इसके अंदर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप SC से हों, चाहे ST से हों, चाहे OBC से हों, UR से हों, PWD से हों, चाहे आप आर्मी से रिटायर्ड हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें रिजर्वेशन की, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है। एज लिमिट आपको कन्फर्म यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है, SC ST वालों को 5 ईयर्स का मिलता है, OBC वालों को 3 ईयर्स का, एंड जो डिसेबल होते हैं उन्हें 10 ईयर्स का, और आर्म फोर्स को उनके क्राइटेरिया के हिसाब से मिल जाता है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो इसके अंदर क्या मांगा गया है आपसे, जैसे कि मैंने बताया था, आप अगर 8th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, दो है मेनली वैकेंसी, ITI ट्रेड और नॉन ITI ट्रेड, ठीक है। ITI ट्रेड और नॉन ITI ट्रेड, ITI ट्रेड के अंदर 22 वैकेंसी आती है, नॉन ITI ट्रेड के अंदर दो मतलब पोस्ट आती है, और इसके अंदर 22 पोस्ट आती है। तो जो ये ITI ट्रेड है उसके अंदर तो आपका इसमें ITI आपके पास होना चाहिए, आपकी परसेंटेज पास होना चाहिए। परसेंटेज मैटर नहीं आता, 80 है 90 है 70 है क्या है, बस आपका पास होना ज़रूरी है। और जो नॉन ITI है उसमें अगर आप 8th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी बस पास चाहिए, परसेंटेज का कोई मैटर यहाँ पे नहीं रखा गया है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या रहेगा हमारा, किसके अंदर आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एक सेकेंड पेज को बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से पढ़ पाएँ। एज का क्या रहने वाला है आपको, तो एज का यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका इसमें मांगा गया है आपकी जो एज है 20 दिसंबर 2021 के बेस पे काउंट की जाने वाली है। सॉरी नो वो कुछ और लिखा था, इसमें हम देखते हैं आपकी जो है 18 प्लस एज होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे कि लिखा है 18 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द अप्रेंटिस एक्ट 1961 का रूल्स के हिसाब से आपका 18 प्लस होना मैंडेटरी है, यानी कि इसका मतलब ये है क्या, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हम देखेंगे फिज़िकल स्टैंडर्ड वगैरह क्या रहे, तो आपकी जो हाइट है 150 सेंटीमीटर हो, वेट 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए, चेस्ट का 5 सेंटीमीटर, आई साइट आपकी 6x6 हो या तो 6x9 भी चलेगी, काम हो जाएगा, प्रीवियस ट्रेनिंग वगैरह आपकी चलेगी, पेमेंट वगैरह आपको कर देना, जैसे कि मैंने बताया कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाली है। तो फिर सिलेक्शन किस तरीके से होगा तो उसको भी देखेंगे। तो आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाला है, शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, आपका यहाँ पे एक रिटन टेस्ट कराया जाता है, और 8th और 10th के बेस पर क्या ही रिटन टेस्ट आएगा, आराम से क्लियर कर लोगे। रिटर्न टेस्ट कराया जाएगा, रिटर्न टेस्ट को जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी फिर मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपका ITI ट्रेड होगा, यानी कि आपका कुछ मतलब चेक किया जाएगा, क्या कहते हैं उसे, प्रैक्टिकल वगैरह, मतलब कुछ आपका इंटरव्यू वगैरह टाइप से होने वाला है, देन उसके बाद आपका यहाँ पर होने वाला है। और जो नॉन ITI ट्रेड है उनका क्या है, उनकी मेरिट लिस्ट लगेगी, देन उसका सिलेक्शन किया जाएगा रिटर्न एग्जाम के थ्रू। और फिर इसमें क्या है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, वो तो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से पता लग ही जाना है। फिर इसमें आपका इंटरव्यू होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था, बट इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। भले ही आप रिटन टेस्ट तो निकाल लोगे, पर यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, 10th की आपकी सर्टिफिकेट लग जाएगी, 8th है तो 8th की सर्टिफिकेट लग जाएगी, अगर आप ITI वाले के लिए अप्लाई करें तो ITI का सर्टिफिकेट लग जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं आधार कार्ड लग जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी हो, अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पे मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं लगवाया जाता, अदरवाइज अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपका पक्का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, एक्स सर्विस मैन है तो आपको वो वाला सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स में है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे आपका ओरल टेस्ट होता है जिसमें आपकी स्किल्स वगैरह देखी जाती हैं, देन उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट भी कराया जाता है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया जाता है। और फिर बात करें इसके अंदर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगने वाली है, SSC यानी कि 10th की सर्टिफिकेट 8th के बेस पे करें तो 8th का, 10th के बेस पे करें तो 10th का, ITI के हिसाब से करें तो ITI का, अदरवाइज़ नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट,
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट, और आर्म फोर्स के हो तो उनका सर्टिफिकेट, फिर आधार कार्ड, और फिर उसके बाद आपको कोई नई ताज़ी फ़ोटो लगेगी जो मतलब आपने फ़िलहाल में खिंचवाई है ना, वो फ़ोटो आपको वहाँ पे जमा करनी है। ये सब लगने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे और क्या है, ऑफ़र एंड ये तो इसमें है नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, आपको सब कुछ अच्छे से फिल करना है, कोई मतलब ऐसा नहीं करना वरना वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो dash apprentice mbi.requirement.india.in इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। दो फिज़िकल फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि आप कोई इधर उधर से काम करने का सोचो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सीधा सीधा राइट वे से जाना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके अंदर रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट, आपका फॉर्म किस कंडीशन पे रिजेक्ट किया जाएगा, तो आपका जो फॉर्म है किस कंडीशन पे रिजेक्ट किया जाएगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इनकम्प्लीट भरते हो तो रिजेक्ट कर देंगे, आपने सारे डॉक्यूमेंट सही से नहीं लगाए हैं तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत फिल किया है तो रिजेक्ट कर देंगे, जैसे कुछ हो रहा है आपने सही से काउंट नहीं किया, मल्टीपल डबल और मल्टीपल अगर आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दी तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर आपके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लियर नहीं हैं तो रिजेक्ट कर देंगे। और फिर इसके अंदर क्या है और भी, मतलब इसके अंदर नाम और आपके पापा का नाम मिसमैच कर रहा है तो मतलब टेंथ की सर्टिफिकेट में कुछ हो रहा है, अलग कुछ हो रहा है, मतलब अलग अलग कहानी है तो रिजेक्ट कर देंगे। आपका मतलब आधार कार्ड वेरीफाई है या नहीं, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें कॉन्टैक्ट करके आराम से पता कर सकते हैं, ये रहा उनका हेल्पलाइन नंबर जिसके थ्रू आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। तो ये थी वैकेंसी, आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके डाउट्स क्लियर करने में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन जाए, और डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।